15 এপ্রিল সোমবার সম্পন্ন হয়েছে জরুরি পরিষেবার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের লোকসভা নির্বাচনে ভোটদান পর্ব। কোনো ভোটদাতায় যাদের বাদ না চান তা সুনিশ্চিত করতে নানান উদ্যোগ নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। প্রত্যেকটি ভোটের অসীম গুরুত্ব রয়েছে। এ বার্তাকে ছড়িয়ে দিতে মূলত জরুরি পরিষেবার সাথে যুক্ত ব্যক্তি এবং সাংবাদিকদের ভোট গ্রহণ করা হয়েছে। এদিন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসন এবং রামনগর বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনের জন্য ভোট নেওয়া হয়েছে সোমবার। আজ ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন 42 জন ভোটার, এদের মধ্যে 90% সাংবাদিক। আগরতলা শহরে শিশু বিহার স্কুলে আয়োজিত এক শিবিরে উপস্থিত থেকে সকল ভোটারদের ভোট সংগ্রহ করেছেন নির্বাচন কমিশনের একটি টিম। এ ভোট গ্রহণ পর্বে সোমবার উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলা জেলাশাসক তথা পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার ডক্টর বিশাল কুমার সহ অন্যান্য আধিকারিকরাও। শুরু হয়েছে ইলেকশন ডিউটি সার্টিফিকেট বিতরণ কর্মসূচিও। আগামী 16 এবং 17 এপ্রিল পুলিশ কর্মী এবং আধিকারিকদের ভোট সংগ্রহ করা হবে বলে এদিন জানিয়েছেন ডক্টর বিশাল কুমার। आज शिशु विहार हायर सेकेंडरी स्कूल में बोथ पोस्टल बैलेट चल रहा है एसेंशियल सर्विसेज, जिसमें हमारे मेनली जो एसेंशियल सर्विसेज में रिलेटेड लोग हैं, जैसे हमारे जो पत्रकार भाई हैं वो वोट डाल रहे हैं। और ऐसे ही कल, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल है पर्टिकुलरली पुलिस पर्सनल, उनका कल और परसों होगा। इसके साथ साथ इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट भी इशू किया जा रहा है। लगभग हमारे पास 4500 से 4600 फॉर्म आए हैं फॉर्म 12, उसके हिसाब से इतने ही EDC सर्टिफिकेट जो भी इलेक्शन रिलेटेड पोलिंग पर्सनल हैं, चाहे सेक्टर ऑफिसर हों, चाहे SST की टीम हों, चाहे वो पोलिंग के दिन वाले ड्यूटी ऑफिसर्स हों, उन सबको EDC सर्टिफिकेट इशू होगा। इस EDC सर्टिफिकेट्स के थ्रू वो किसी भी पास वाले पोलिंग स्टेशन पर जाके अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से सुचारू रूप से ये पूरा प्रोग्राम SDMs और AROs के थ्रू कराया जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी पोलिंग पर्सनल अपने वोट का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सर, इलेक्शन कमीशन की जो इस तरह की EDC डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रक्रिया है उसको कैसा पोलिंग पर्सनल को सुविधा रहती है? EDC सर्टिफिकेट से पोलिंग पर्सनल को बहुत सुविधा होती है, खासकर जब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हों वो बड़ी हों और जो भी पोलिंग पर्सनल हैं वो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर हों, तो उससे वो डायरेक्टली बटन दबा के अपने वोट को दे सकते हैं। और जो कई बार फॉर्म एक्सचेंज करने की ज़रूरत जो होती है पोस्टल बैलेट में, उसका भी यहाँ प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार फॉर्म भरने पर ऑन स्पॉट भी EDC सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो खासकर लोकसभा इलेक्शन में जो EDC का माध्यम से जो वोट दिया जाता है उससे प्रशासनिक रूप से भी सुविधा होती है और जो पोलिंग पर्सनल हैं उनको भी काफ़ी सहूलियत मिलती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भी पोलिंग पर्सनल हैं दे विल सेटिस्फाइड विद हमारी जो सर्विस हम लोग EDC के थ्रू देते हैं। जो एसेंशियल वोट चल रहा है, कितने लोग आएंगे मतदान करें? आज की जो लिस्ट है उसमें 42 लोगों ने इनरोल किया है, तो लगभग 42 लोग भी मतदान करेंगे। इसमें 90% लोग हमारे जो पत्रकार और पत्रकारिता से रिलेटेड जो हमारे भाई बंधु हैं वो लोग ही रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, RA न्यूज़।